नंबर का सूत्र क्या कहता है? मतलब क्या अर्थ है इसका? गुट पांच होते हैं, गुट विभक्तियां पांच होती हैं। हाँ, गुट विभक्तियां पांच होती हैं। कौन कौन सी? सी औ जस आम औ। ठीक है, और अगुट विभक्तियां किसे कहते हैं? जैसे 16 विभक्तियां बचती हैं उनमें उनमें स्वर वाली से कितनी है? स्वर वाली कितनी है? नौ। और व्यंजन वाली? सात विभक्तियां। अब मैंने कल नहीं पढ़ाया था, आज प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, और मेरे को हो सकता है कि आप उत्तर दे देंगे। घुट विभक्तियों में स्वर वाली विभक्तियां कितनी है? स्वर वाली 9 विभक्तियां। प्रश्न को पहले समझिए उत्तर देने के पहले। घुट विभक्तियों में स्वर वाली विभक्तियां कितनी है? ओ, वो क्या गिन के क्या उसमें सेम आ गई ना एक दो। हेलो। हाँ भैया, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोल रहे हैं कि गुट में स्वर वाली विभक्तियां कितनी हैं? हाँ, तो गुट तो ये पांच है ना, ऊपर वाले चार भैया, चार। बस सीधी सी तो बात है, जब पांच पांच में से कितनी स्वर वाली है, कितनी व्यंजन वाली है, तो इसमें उत्तर देने में कितना टाइम लग रहा है? चार में स्वर है, एक में व्यंजन है, बस। तो इसमें कितने देर लग रही थी? फिर नौ काय के लिए बोल रहे थे? चलिए, बहुत बढ़िया है ना। अब आपको पूरी चीजें जानकारी हो गई कि घुट विभक्तियों में चार तो है स्वर वाली और एक है व्यंजन वाली, और अघुट विभक्तियों में नौ विभक्तियां हैं स्वर वाली और सात विभक्तियां हैं व्यंजन वाली। ये धारणा पक्की हो गई ना आपकी? जी। हेलो। हाँ भैया जी, धारणा पक्की हो गई ना? जी जी। अच्छा, दूसरी चीज ये, चीरपा शब्द अपने सामने आया है। हाँ। तो चीरपा शब्द आने पर, किन विभक्तियों के आने पर चीरपा के आकार का लोप हो जाएगा? अधूट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर चीरपा के आकार का लोप हो जाएगा। आकार का नहीं बोला करा करो, आकार का बोला करा करो। आकार का लोप हो जाएगा। हाँ ठीक है, किस सूत्र से होएगा? 160 नंबर सूत्र से। आ धातो रघुट स्वरे। बिल्कुल, इससे लोप हो जाएगा, तो जो स्वर वाली विभक्तियां हैं व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से जुड़ती चली जाएंगी। हाँ भैया जी, उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण सही थोड़ा सा करवा के देख लीजिए। ये करिए ना, चीरपा शब्द को लाइए ना, चीरपा शब्द से सस विभक्ति लाइए, पहले पूरे रूप चलाइए ना क्रम। हेलो, हेलो। इस सूत्र को अभी भैया ने समझाया, आप फिर से बताना। हेलो सेलवाला दीदी। कौन सा सूत्र बोल रहे हो दीदी? ये वाला जो है ना, अभी भैया ने बताया, जब मैंने बताया जो करके दिखाओ, शीर्पा शस वाला बताया ना भैया जी ने, शीर्पा धन शस। हाँ, तो इसमें इसमें लगेगा व्यंजन में स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र लगेगा। पहले अधातो रघुट स्वरे लगेगा,
तो छिरपा धन अस हुआ ना, नहीं तो वो स्वर बता देना, पांच अघुट वाली होगी और चार सुर वाली होगी, ये कुछ बताया ना भी। वो तो घुट संज्ञा में बता रहे थे कि घुट संज्ञा कितनी होती है, पांच होती है, सी और जस अम ओ, तो इसमें से कितनी स्वर वाली और कितनी व्यंजन वाली है, तो सी ओ जस, इसमें अगर अपन देखेंगे तो सी क्या है, व्यंजन वाली है क्योंकि स बचता है, औ स्वर वाली है, जस का अस बचता है तो अस कौन सी हुई, स्वर वाली हुई, अ है ना प्रारंभ में, और अम भी स्वर वाली हुई, औ भी स्वर वाली हुई, तो घुट संज्ञा पांच है तो उनमें से चार स्वर वाली है और एक व्यंजन वाली है, ये बता रहे थे सी वाली है ना। और जो वो छिरपाधन शस है तो छिरपाधन शस का अस हो जाता है, तो ये भी स्वर वाली हुई, जो होने पर कुछ भी स्वर वाली होता है। हेलो हाँ भैया जी बोलिए। और घुटवाली विभक्तियों के होने पर नया काम कुछ नहीं होता है, पुराना काम ही होता है। समाना सवर्ण दीर्घी है, ओकारे औ है, रेप शोर विसर्जनिया, ये तीन सूत्र लगते हैं अब घुटवाली विभक्तियों के आने पर। हेलो जी भैया जी, हाँ भैया जी बोलिए। समझाइए ना, घुटवाली विभक्तियों के आने पर पुराना काम होता है, समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति लगती है, ओ कारे है, वो कारे चल लगता है, विसर्जनीय लगता है जी। सबसे पहले रेप्स और विसर्जनीय लगेगा, फिर औ विभक्ति आएगी तो ओ कारे औ औ कारे लगेगा। नहीं भैया अभी आपने बताया था ना व्यंजन व स्वरम परवर्णम नियत करते जाइए आगे जो है। हाँ नहीं तो सस्य करना है, वो सस्य से काम है, अभी मैं घुटवाले में बता रहा हूँ। अच्छा घुट, अभी घुटवाली विभक्ति आपके पास में सबसे पहले छीरपा शब्द है, आपने लिख दिया बड़ा पा, सी विभक्ति लाए आप, सी में से ई का अनुबंध का लोप कर दिया, हाँ कर दिया, अब बचा क्या, केवल सा बचा ना, सा बचेगा हाँ, तो रेप्स और विसर्जन ये लगा के विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो शीरपहा बन जाएगा वो तो। ठीक है अब औ विभक्ति लाओगे उसमें उकारो और सूत्र से शीरपहा बन जाएगा। ठीक है जस विभक्ति लाएंगे, जस विभक्ति में शीरपहा बन जाएगा। नहीं पहले ऐसे काम करो जैसे अभी करे थे, ऐसे काम करो, जस में से अस बचेगा, हाँ जी, फिर समाना सवर्ण दीर्घी भवति पर अस्य लोपम और रेप स्वर विसर्जनीय लगेगा। हाँ हाँ ये लेकिन अभी आपने बताया था ना ये वाला स्वर भी लगाएंगे हम, व्यंजन व स्वरम परवर्णम नेत जो है ये तो लगा, ये अभी सस्य लगेगा, सस्य से। अच्छा सस्य लगेगा ये, अच्छा हाँ, ये इसमें ही कंफ्यूजन हो रही थी, इसमें तो ऐसा है कि अगर लगाओगे तो लगेगा, इसलिए कि पहले छिरपा के आंखों बाहर रखना पड़ेगा, व्यंजन मस्वरम परवर्णम तो लगेगा, लगना ही लगना है, वो तो आंखें बंद करके लगना है। हाँ हाँ यही पूछ रहे थे हम, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ने छिरपा शब्द रखा, तो छिरपा के आंखों तो निकाल के बाहर रखोगे ना, हाँ हाँ, फिर औ विभक्ति लाए तो ओकारे औकारे चेक करोगे, हाँ हाँ, तो आंखें स्थान पर औ करोगे और औकार का लोप करोगे, हाँ जी हाँ जी, फिर बाद में व्यंजन मस्वरम परवर्णम लगाओगे तब तो औ छिरपा में जाएगा। हाँ वही पूछ रही थी मैंने, वो उनमें भी पहले यही सूत्र लगेगा ना, व्यंजन व स्वर परवर्णम नहीं तो लगना ही लगना है, वो तो व्यंजन व स्वर परवर्णम नहीं तो लगना ही लगना है, क्योंकि अपन को पहले अनतिक्रमण करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, पहले 23 नंबर का सूत्र लगेगा, अनतिक्रमण विश्लेषित, हाँ हाँ, उस छिरपा के आपको निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। हेलो हाँ जी हाँ जी भैया जी, हाँ हाँ, वो तो दोनों सूत्र तो आंखें बंद करके लगने लगते हैं। ठीक है यही पूछना था मेरे को। हाँ उसमें हाँ, उसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं, रोक टोक नहीं है, सबसे पहले 23 नंबर का सूत्र लगेगा, उसका अनतिक्रमण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक हाँ, है ठीक है भैया जी ठीक। लेकिन मेन सूत्र है अपना हाई कमान से जो आया हुआ है, वो सूत्र है 160 नंबर का मुख्य सूत्र, आ धातु रघुट स्वरे, ये मेन सूत्र है। हाँ जी, ये कहता है कि अघुट स्वर वाली व्यक्तियों के होने पर धातु के आकार का लोप होता है। हेलो हाँ जी भैया जी, एक बार और बता दीजिए भैया जी, क्या है, क्या बोला है? आप लिखिए छिरपाधन सस, लिखिए छिरपाधन सस, लिखा? हाँ जी लिख लिया भैया जी।
अब सस्म से क्या बचा? अस। अस बचा, बहुत बढ़िया। अब ये व्यंजन वाली धातु है कि स्वर वाली धातु है? स्वर वाली। डरो को बोलो ना, कुछ ना कुछ तो बोलो। स्वर आदि में है ना? स्वर आकरांत है। देखो जब तक कोई चीज समझ में नहीं आए ना, जब तक आगे नहीं बढ़ो। हाँ जी भैया, ये अगर मान लो कोई, अगर मान लो अपने को समझ में नहीं आ रही तो आप पूछो ना कि आप किसको पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ ससम से अस बचा। हाँ जी जी। आ जो बचा है, जो आ स्वर है के व्यंजन है? स्वर है। स्वर आदि में है के नहीं है? हाँ जी आदि में है। हाँ, अब जो अब इसका अब जो घुट वाला स्वर है के घुट वाला स्वर है? नहीं नहीं आ रहा क्या समझे? पंचादो घुट का ना 159 नंबर का सूत्र देखिए। पंचादो घुट शुरू की पांच विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं। तो भैया जी इसमें आ कहा रहा है? मेरी बात तो सही है। पहले आप पहले मैं जो पूछू उसका जवाब दीजिए। विभक्तियां कितनी है? 21 बोलिए ना। हाँ जी 21 विभक्तियां। हाँ ऐसा बोलिए आप, 21 विभक्तियां। कितनी विभक्तियां हैं? 21 विभक्तियां। हाँ और शुरू की पांच के नाम बताइएगा जरा आप। ये घुट वाली जो है, सी औ जस अम औ। शुरू के पांच बताइए, शुरू के नाम बताइए पांच। सी औ जस अम औ घुट संज्ञा। ये पांच की तो घुट संज्ञा हुई ना? हाँ जी। अब पांच के बाद बचे जो 16, उनका नाम क्या रखोगे आपने? उनका तो वही जो इसमें से बचेंगे, शस टा गे गसी जो ये सब। ये नाम नामकरण तो देना पड़ेगा। वो अघुट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी अघुट है, अघुट है। हाँ तो अघुट में आप सस अघुट हो गए ना? हाँ जी। तो अघुट में से सस विभक्ति घुट है के अघुट है? अघुट हो गई। शस हो गई नहीं है क्या? नहीं ये पक्का बताओ पहले, हो गई? हाँ जी शस शस अघुट है। शस अघुट अघुट है, ठीक है। अब ससम से अस बचा के नहीं बचा? हाँ जी अस बचा है। तो इसके आदि में स्वर है के व्यंजन है? स्वर है। स्वर स्वर है। अब जो घुट वाला है के अघुट वाला है? ये अघुट वाला ही है। टामे से आवस्था ससम से आ बचा है, ससम से अस बचा है, टामे से नहीं। ससम से तो हाँ अस बचा है, ठीक है। पक्का है ना? ये धारणा पक्की हो गई ना आपकी के जो स्वर है आदि में अघुट स्वर वाली विभक्ति है, ये सब कुछ हो गया? हाँ हाँ। अब क्षीरपा में जो आ था उसका पूरे का लोप कर दीजिए। अच्छा आ का लोप कर दिया जो आपने बाहर निकाल के रखा था, अनाते क्रमेण विश्लेषित करके उसको आ को बाहर निकाला है उसका। हाँ जी, लोप कर दिया उसको। कर दिया, कर दिया लोप। आपके पास बचा क्या? क्षीरप, क्षीरप धन अस। तो उसको क्षीरप जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? उसमें ए में जोड़ेंगे। हाँ ए में नहीं, पा में जोड़ेंगे। एक एक आए हैं आगे, अस अस लिखा है ना? अस नहीं, लोप तो आ का किया है ना हमने। हाँ पा में जोड़ेंगे। हाँ तो पा में जोड़ दिया और सा का रेप सर विसर्जनीय करेंगे। अच्छा रेप सर विसर्जनीय। अब क्या बन गया शब्द? तो ये तो शीर्पा बनेगा। हाँ तो बस यही तो बनेगा, और हम क्या कह रहे हैं आपसे? तो इसमें आका डंडा नहीं आएगा भैया जी, शीरपा बनेगा ओनली, शीरपा। आका डंडा क्यों आएगा? आका तो आप जो शीरपा में आता उसका तो आपने लोप ही कर दिया। अब तो आपके हाँ। पास तो अस था ना? हाँ जी। तो अस में छोटा है कि बड़ा है? अस में छोटा है, ए है। तो वो पा में मिल गया, पा में मिल गया वो तो। बस और सा का विसर्ग हो गया। हाँ जी। तो ये भैया जी आका जो लोप किया है हमने कौन से सूत्र से किया है? 160 नंबर का सूत्र जो सामने ही तो बैठा है, आ धातु रघुट स्वरे। अच्छा इसमें ये चीज होगी क्या? इसी सूत्र से लोप हो रहा है, 160 नंबर के सूत्र से ही, आ धातु रघुट स्वरे। ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं अब आ गया समझ में, क्लियर हो गया। क्या समझ में आया बताइए? 160 नंबर का सूत्र क्या कहता है? ये कहता है स्वर की जो मतलब जो शीर्ष शब्द में आया है वो उसमें शीर्पा बोला, शीर्पा 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 में जितपा धातु है। हाँ जी। और पा धातु के आकार का लोप होता है अघुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर। बोलिए अर्थ इसका। पा धातु के अर्थ का लोप होता है। बोलिए क्या बोलूं भैया जी? जो मैंने बोला वो बोलिए। मैंने क्या बोला? अधातु घुट स्वर में। हाँ इसका मैंने क्या बोला? शीर्पा में जो पा धातु है उस धातु के आकार का लोप हो जाता है। कब होता है?
पाद वो अघुट स्वर के आने पर, अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर, यह निर्णय हो गया ना आपका अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर। तो सस विभक्ति क्या है, अघुट है के अघुट है के घुट है, ये अघुट है अघुट स्वर है के व्यंजन है आदि में, आदि में स्वर है, तो स्वर है तो क्षीर पा के आ का लोप करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी करेंगे पाक। अब पा हलंत है के पूरा है? पा हलंत रह गया। तो अब हलंत रह गया तो अपने पास विभक्ति में से बचा क्या है, अस बचा है ना? हाँ जी अस में मिला देंगे, उस आ में मिला देंगे, मस्तरम परवर्णम नए से आ मिला देंगे पा में। हाँ जी मिला देंगे। और सा का रेप स्वर विसर्जन विसर्ज कर देंगे। हाँ 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 जी आगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा शीर पहा। आप ता विभक्ति लाइए, ता विभक्ति लाइए, ता शीरपा लाइए, ता इसमें भी इसमें आका लोप कर देंगे तो शीरपा बन जाएगा, शीरपा जैसा शब्द है वैसा के वैसे बन जाएगा, जो है वही वही बन जाएगा। हाँ जी वही बन जाएगा। तो इसमें भैया जी इसमें पहले यही सूत्र लगाएंगे, आधा तो गुड़ स्वरे हेलो भैया जी इसमें दो सूत्र लगेंगे बस। हाँ दो कौन कौन से, आधातुर घुट स्वरे और ये व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं है। व्यंजन मस्वरम परवर्णम तो लगता ही आंखें बंद करके, वो तो जब 23 नंबर का सूत्र लगेगा तो 25 तो लगेगा ही लगेगा। नहीं इसमें तो इसमें 23 नंबर क्यों लगेगा, इसमें तो आधातुर घुट स्वर से हो गया ना, आ का तो लोप ही हो गया। लोप जब करेंगे जब बाहर निकालेंगे तभी तो लोप करेंगे। हाँ हाँ बाहर तो निकाल दिए ना उसे, निकाल के बाहर रखोगे तो 23 नंबर का सूत्र लगा, अनतिक्रम्यन विश्लेषण वही सूत्र करता है अनतिक्रम्यन। अनतिक्रम तो पहले लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद आधातुर घुट स्वर सूत्र, फिर उसके बाद व्यंजन स्वरम परवर्णम नहीं है। हाँ अब तीन हो गए ना बराबर, बिल्कुल सही। वैसे मुन सूत्र 160 नंबर का सूत्र लगा सही। हाँ जी अनतिक्रम तो सब में लगेगा ही लगेगा, सब में लगे अनतिक्रम्यन सब में लगेगा, व्यंजन स्वरम परवर्णम नहीं सब में लगेगा। हाँ जी और ये मेन जो है अधातुर घुट स्वर, ये भी अधातुर घुट स्वर जो मेन सूत्र है, एक ही सूत्र लगा, मतलब एक गिनती एक ही होती है। हाँ जी है ना। अब आप गेम विभक्ति लाओ, गेम व्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जोड़ दो व्याम, एक मिनट व्याम इसमें इसमें कैसे जोड़ेंगे भैया जी, जिससे आ का तो एक को एक करेगा ना, मम्मी शीर पा है ना ये, आज आ का तो लोप हो गया तो शीर्प व्याम बनेगा, क्या बनेगा इसमें, आधा पै बनेगा, आधा पै। हाँ तो आधा पै बनेगा इसमें, व्याम में कुछ नहीं करना है, लोप क्यों करेंगे, व्यंजन है विभक्ति में स्वर थोड़ी है। अच्छा इसमें इसमें लोप नहीं होगा, क्यों करेंगे लोप, स्वर है के व्यंजन है, भा तो व्यंजन हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा है सब वैसा का वैसे तो जोड़ दो। नहीं तो भैया जी इसमें आ का लोप नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे, स्वर है के आदि में, अक्षर में होता है। ठीक है ठीक है, तो इसका बन जाएगा शीर्पा भ्याम। हाँ जैसा है वैसा का वैसे बन जाएगा। ठीक है भैया इसमें सूत्र यही वाला लगेगा अनतिकरण विश्लेषण, इसमें भी तीन सूत्र लगेंगे, यही काय को लगेंगे, तीन सूत्र कौन से लगेंगे, डायरेक्ट अनतिक्रम विश्लेषण व्यंजन स्वर परवर्णम नहीं है दो, वो तो कोई वो कोई लगने वाले सूत्र थोड़ी है, वो तो जब शब्द ही वैसा का वैसा बन गया तो उसमें लगाने की जरूरत क्या है। ठीक है फिर तो भ्यस भी ऐसे ही बन जाएगा, भिस भी ऐसे एक उसमें सूत्र लगेगा, रेप स्वर विसर्जनीय ऐसी कैसे बन जाएगा, तो बना ही लेते हैं फिर ऐसी कैसे बन जाएगा, रेप स्वर विसर्जनीय सूत्र लगेगा उसमें। हाँ जी उसमें आखिरी में लगेगा सा के स्थान पे। हाँ तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ऐसे बन जाएगा, बन गया शीरपा भी बन जाएगा भैया जी। हाँ शीरपा भी बन जाएगा, और अब गे विभक्ति ला चतुर्थी में ला शीरपा जमा गे विभक्ति, तो ये बचेगा इसमें, ये बचेगा। अब हाँ स्वर हो गया, स्वर हो गया तब ठोक दो 160 नंबर का सूत्र, तो भैया जी इसमें आ का लोप हो गया तो शीर पे बन जाएगा। अब ये मुझे क्या मालूम क्या बनेगा, आप सानो क्या बनेगा, व्यंजन मस्वरम परवर्णम परवर्णम लगाओगे तो, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ व्याकरण, व्याकरण तो आप पढ़ रहे हैं पढ़ाते हैं,
मैं तो सीख रहा हूँ आपसे कि आप लोग क्या सीख पढ़ रहे हैं। हम सीख रहे हैं ना भैया जी, आपसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ। तो क्या बन गया? शीर पे। ठीक है, भ्याम में क्या करोगे? आ का लोप कर दो। नहीं नहीं, भ्याम में नहीं होगा लोप, क्योंकि व्यंजन है भ्याम। अभी तो कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं भैया जी, पता नहीं था ना उस समय। अच्छा, अब पता हो गया ना। ठीक है, अब हाँ क्लियर। हाँ जी, अब तो पता लग गया। तब इसमें कुछ करना है कि जैसे कैसे लग जाए, हो जाएगा? किसमें? भ्याम विभक्ति में। भ्याम विभक्ति में तो बस कुछ नहीं करना, इसमें तो ऐसे ही जुट गया। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अब भैंस लाएंगे तो क्या करोगे इसमें? भैंस सहकार एक सौ विसर्जन लगेगा ना। अरे जय भीष्म, क्या काम किया आपने, इतना क्या सोचने लगे? भीष्म, क्या काम किया था आपने? शीर्पाभ्य। भैया जी, इसमें विसर्ग आ जाएगा, बस खाली शीर्पाभ्य बन जाएगा इसमें बस। तो छीप। अरे भीष्म, क्या काम किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। भीष्म, आपने क्या काम किया? भीष्म तो कहना विसर्ग, मतलब शीर्पाभी बन गया था इसमें, शीर्पाभ्य बन गया बस। तो इतना इतनी देर क्यों लग गई ये जी? पूरी टाइम लगता है हम लोगों को। टाइम से लग रहा था, भैंस विभक्ति है, सामने व्यंजन है, तो व्यंजन होने पर से कोई सा कोई तो विसर्ग करना है। हाँ जी, चलो आगे चलो। घस विभक्ति लाओ, घसी। घसी में से क्या बचा? घसी विभक्ति आएगा इसमें। हाँ हाँ, घसी में से अब क्या बचेगा? इसमें असी बचेगा भैया जी। है तो मेरी जय हो बे। क्यों असी भी नहीं? स्वर है के व्यंजन है? स्वर है। तो अब क्या करेंगे? तो अब वो करेंगे, अपना सूत्र लगाएंगे, अधातुर घुट स्वरे। ये अघुट अधातुर अघुट स्वरे लगाओगे के समान सवर्ण दीर्घी भक्ति लगाओगे? अभी तो पहले ये वाला सूत्र लगेगा, अधातुर घुट स्वरे। अच्छा, यही वाला लगेगा, पक्का विश्वास है ना? हाँ हाँ पक्का। किसी की बात में तो नहीं आ जाओगे? नहीं नहीं। अच्छी बात है, लगा दो। अब कौन सा सूत्र लगाओगे? रेप सो विसर्जनीय। रेप सो विसर्जनीय तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा लगाओगे? शीर पहा बन गया लेकिन ये तो। अरे व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम पहले जोड़ करेगा ना, चाहे पहले जोड़ दो चाहे बाद में जोड़ दो, वो तो एक ही बात है भैया जी। पहले तो इसमें अनतिक्रम विश्लेषण वो तो सूत्र लगेगा ही लगेगा सब में। वो तो पहले ही करना पड़ता है, चाहे अपन बोलो चाहे ना बोलो, अनतिक्रम यान विश्लेषण करना पड़ता है। हाँ हाँ, दूसरे नंबर पे आगे अपने ये वाला सूत्र आधातुर घुट स्वरे। बाद में जब सब काम हो जाता है ना, फिर अघुट स्वरे लगता है, फिर रेप स्वर विसर्जनीय लगता है, फिर सब काम हो गया तो फिर लगता है व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नये लास्ट में। अच्छा, ये लास्ट में लगता है कि बीच में लगता है? लगा दो कभी भी, लेकिन लगता लास्ट में। अच्छा अच्छा, अनतिक्रमयन कब लगता है? पहले लगता है, शुरू लगता है। ये तो शुरू में लगेगा। हाँ, और ये भी बाद में लगेगा जब सब काम कर लिया आपने। हाँ जी हाँ जी, सब कर लिया। हाँ तब क्या कहा, मेरा उपयोग कर लो तुम, जब कोई नहीं मिलेगा तब मैं बैठा हूँ आपके साथ सहायता देने के लिए, ये व्यक्ति जो ऐसा है। और विसर्ग तो बाद में लगेगा, रेप सौ विसर्जनीय आखिरी में लगना चाहिए। रेप सौ भी विसर्जनीय पहले ही लग जाएगा जब बन गया आपका ना, जब जो कर देगा काम आगे व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये लगा दो। अपन कभी भी पहले लगा दो बाद में लगा दो, लेकिन लगाना चाहिए पूरा काम करने के बाद। ठीक है, आखिरी में लगाना चाहिए। चलिए बन गया तो आप भ्याम विभक्ति ले। भ्याम विभक्ति में भी आकर लोप कर दो। भ्याम, हाँ भ्याम आएगा ना पंचमी में, घसी भ्याम भैंस। ये तो व्यंजन है तो उसमें शीर्पाभ्य बन जाएगा सीधा। अच्छा, भ्याम बनेगा कि भ्या बनेगा? शीर्पाभ्याम। तो लोप क्यों नहीं कर रहे आप? आधातो राघोट स्वरे से लोप कर दो। इसमें व्यंजन है क्यों, तो लोप थोड़ी ना होगा। अच्छा, व्यंजन में लोप नहीं होता है? नहीं। पक्का सम्यक दर्शन है क्या? हाँ। अच्छा चलो आगे बढ़ो। भैंस में क्या करोगे फिर? उसमें भी सीधा यही लग जाएगा, भैंस में भी। क्या यही वाला आधातो राघुट स्वरे? नहीं नहीं, शीर्पाभ्य। अरे रेप स्वर विसर्जनीय लगेगा। हाँ, रेप स्वर विसर्जनीय, बस एक ही सूत्र लगेगा। हाँ चलिए आगे बढ़िए। अब घस ले आइए, घस।
क्या ले आए अब षष्ठी में? अस बन जाएगा, अस बन इसका, अस बचेगा। हाँ आप बताइए क्या करोगे आप इसमें? स्वर है ना वो, इसमें अपना ये वाला सूत्र लगेगा, आधातुर घुट स्वरे। पहले उच्चारण सही करिए, आधातुर घुट स्वरे, आधातुर घुट स्वरे, आधातुर, आधातुर, आधातुर घुट स्वरे। अरे धातोर नहीं बोलना, धातो बोलना, आ धातो, आ धातो, आ धातो, रघुट स्वरे, रघुट स्वरे। हाँ अब इसमें लोप कर देंगे, इससे इसमें इस सूत्र आ का लोप कर देंगे। ठीक है कर दिया, आप क्या करोगे फिर आगे? तो शीर्पह साग रेप सो विसर्जने, साग रेप सो विसर्जने। ठीक है आप कौन सी भक्ति लाओगे? ओस, एक मिनट भैया जी, और व्यंजन में स्वरम परवर्णम नेत तो लगेगा ही लगेगा। मतलब कोई चीज नहीं, उसको बोलो चाहे ना बोलो, दो चीज, दो सूत्र तो ऐसे हैं, बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बोलो तो फर्क नहीं पड़ रहा। अनतिक्रम्यन विश्लेषित और व्यंजन में स्वरम परवर्णम नेत, इनको बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। साधु संतों को हार देते हो आप? हाँ जी देते हैं भैया जी। अब सौंप लास्ट में दे दो तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। हाँ जी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया जी। इसमें ओ, इसमें तो इसमें क्या बनेगा, शीर्पो हो क्या बनेगा इसमें? जैसे ओस बचा है इसमें, तो शीर्पो हो, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए आगे बोलिए, ओस विभक्ति में क्या बोलते बोलते? हाँ, आका तो लोप हो गया इसमें, और ओ का जो यो बन जाएगा। हाँ, ये दूसरा यो का बनेगा, वो जुड़ जाएगा सब पाने, यो नहीं, ये सूत्र था ना एक पढ़ा था हमने आके स्थान पर, ओसी चा कुछ ऐसे पढ़ा था। हाँ बोलो कौन सा वाला पढ़े थे सूत्र बता? ये जो पीछे का भी डिवाइस नहीं किया ना इसलिए। चलो कोई सा सूत्र नहीं लगेगा इसमें, इसमें क्यों नहीं लगेगा सूत्र? तो आप बता नहीं रहे फिर, आप कह रहे आपको, आप बताओगे जब तो पता पड़ेगा कौन सा सूत्र लगेगा, जब तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा भाई। जब आप कह रहे हैं हमने रिवीजन नहीं किया, तो मैंने बता दिया आपको कि कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, और आपको याद आ रहा है तो आप बताओ कौन सा लगेगा, या भाव बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप, फिर मैं आपका समाधान पूरा कर दूंगा भैया जी। ये ओस में कौन सा सूत्र, ओसी चा सूत्र लगेगा क्या? ओसी चा लगेगा, तो ओसी जे आकार का लोप काहे के लिए कर दिया तुमने यहाँ पर? अब है कहाँ लिंगांतकार, कहाँ है यहाँ पर? अच्छा अच्छा लिंग, वो उसमें मिला दिया ये तो नहीं, ओसी चे करता है जब लिंगांतकार हो या तो आकार है। हाँ हाँ आकार है ये तो, इसमें फिर अब आपने सही, तो इसमें फिर अब आप प्रश्न करोगे तो। हाँ जी है? इसमें हमने ओ में मिला दिया तो शीर्पोह बन गया ये, बिल्कुल वही काम तो करते आना जो अभी तक करते। व्यंजन में स्वर माला लगेगा नहीं? हाँ। तो बनेगा तो यही बनेगा ना, व्यंजन में ये शीर्पोह, शीर्पोह, शीर्पोह तो बनेगा क्या? शीर्पो, शीर्पो। हाँ हाँ तो बस तो ठीक है ना, तो वो ओसी चे क्यों लगा रहे हैं आप, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओ का मेरे को लगा कभी आ का या तो नहीं होगा इसलिए पूछ रही थी। तो आ का या होता ही नहीं है, कहाँ होता है आ का या? ओसी चे क्या कहता है? ये होता है ओसी चे में तो खैर। गलत बोल रहे हैं आप, लिखिए कॉपी पे पुरुष धन ओस, लिखिए कॉपी पे जल्दी से पुरुष धन ओस, एक मिनट। हाँ पुरुष धन ओस लिखिए कॉपी पे जल्दी से। हाँ लिख लिया भैया जी। अब लगाइए ओसी चे क्या कहता है, ओसी चे ओस लिंगांतकार को ए हो जाता है इसमें शायद। हाँ सही बोले, सही बोले आप, लिंगांतकार को ये करो, करो लिंगांतकार को ये। हाँ जी कर दिया लिंगांतकार को। आप कौन सा सूत्र लगेगा? अब लगेगा ए आए, ए का आई हो जाता है, ए आए सूत्र बोलो, ए आए, ए आए। हाँ तो ए के स्थान पर आए आदेश होता है, ना कि आ के स्थान पर आए आदेश होता है। ठीक है तो पुरुष ही हो। हाँ पुरुष ही हो बन गया।
किसके स्थान पर आपने आदेश किया ये तो बताओ, आके स्थान पे किया है कि एक स्थान पे किया? एक स्थान पे किया, एक स्थान पे। तो पहले आके स्थान पर ए करना पड़ेगा तब तो आए करोगे। हाँ, फिर आके स्थान पे पहले ए किया, फिर एक स्थान पे आए कर दिया, उससे बना। अभी आप आके स्थान पर आए कर रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, वो गलत हो गया था भैया जी बोलने में। नहीं गलत नहीं, आके स्थान पर आए होते नहीं है, एक स्थान पर होता, पहले ए करना पड़ेगा ना आपको। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो लिंगांत, वो लिंगांतकार को करना पड़ता है। चल, हाँ जी हाँ जी, लिंगांतकार को करना पड़ता है ना, लिंगांतकार। लिंगांत, हाँ लिंगांतकार को होगा वो। हाँ, ये आकार है, इसका तो लोप कर चुके हैं अपन। हाँ हाँ, आकार का लोप हो गया, ये वाला अधातुर घुट स्वर सूत्र से। हाँ, और नहीं भी लोप होता, ठीक है, अच्छा ही है, और नहीं भी होता तो भी ये नहीं लग सकता ना सूत्र। हाँ जी, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, लोप भी नहीं होता तो भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आकार नहीं है, आकार है। भैया जी, अब शीर्पा धन आम। हाँ, आम है, अब देखो क्या करोगे आप। इसमें इसमें भी यही सूत्र लगेगा, अधातुर घुट स्वर। सही बोला, सूत्र उच्चारण ठीक करो, गलत नहीं करो। अधातुर, अधातुर घुट स्वरे, अधातुर रघुट स्वरे बोलना है, गलत क्यों बोलना? अधातुर, अधातुर रघुट स्वरे बोल रहे हो, अधातुर रघुट स्वरे। हाँ, सही उच्चारण करेंगे हम, मोबाइल मोबाइल फेंक देंगे। अधातुर रघुट स्वरे, हाँ अब सही है। भैया जी, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, अधातुर अघुट स्वरे, वो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे मतलब संधि तो ऐसे ही करते हैं कई लोग, संधि तोड़ेंगे आप ना, तो अधातो हो अघुट बोलना पड़ेगा, अधातो हो। अच्छा, विसर्ग लगाना, अधातो हो विसर्ग लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, जब संधि तोड़ेंगे तब। अच्छा, अधातो हो अघुट स्वरे। हाँ, अघुट स्वरे जब संधि तोड़ेंगे तो रेप स्वर विसर्जनीय सूत्र लगाएंगे। अच्छा, अधातो हो। इसमें शीर्पाम भैया बन गया भैया जी। हाँ बोलिए, शीर्पाम, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कौन सी भक्ति लाए? सप्तमी, सप्तमी भक्ति। कौन सी आपकी सप्तमी भक्ति? घी। घी में से क्या बचेगा? ई बचेगा, ई, ई बचेगा, तब जो व्यंजन है ना। हाँ, व्यंजन स्वर है, स्वर हो गया ये तो। तो सर, मुझे क्या मालूम क्या हो गया, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, स्वर है के व्यंजन है? स्वर, स्वर है, स्वर है, तो अवर्ण वर्ण ये लगा दो। तो ये अवर्ण वर्ण ये नहीं भैया, गलत है। इसमें क्यों लगेगा, इसमें अवर्ण, ये तो आ है, आ का लोप हुआ है ना इसमें, तो आ है वही सामने है, तो अवर्ण वर्ण ये नहीं लगेगा। नहीं, आवरण को होता है, आवरण इवर सामने आने पर। आवरण तो है चिरपा में, आवरण ही तो है। नहीं, आवरण क्या आ है, आ है, आवरण है, एक और आ, दोनों एक ही होंगे, नहीं होगा, बड़ा हो, फकार थोड़ी बोला है, आवरण बोला है ना, तो ए और आ दोनों ही है। आवरण होने से तो दोनों ही चलते हैं, आवरण का मतलब होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इवर्ण का मतलब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों है, तो यहाँ शर्त मिल रही है अवर्ण वर्ण। तो इस पे शीर पे बन जाएगा, शीर पे, मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, अवर्ण वर्ण ये लगा दो, ये क्या पूछ रहा हूँ, शीर पे। वो बोलिए क्या बनेगा, पहले पहले सूत्र से आ का विस करेंगे, आधातुर घुड़स्वर सूत्र लगा दिया तो इसे आ का लोप किया, पहले इसे आ का लोप किया। हेलो, हाँ, फिर ई हो गया चिरपी, फिर व्यंजन में स्वरम स्वर से चिरपी हो गया, पहले ये 160 नंबर सूत्र लगेगा भैया जी, इसमें आ घातो तो मुझे मालूम है 160 नंबर का नहीं लगेगा भैया जी, बनेगा क्या, क्योंकि ये स्वर है ना, स्वर में लगेगा ये सूत्र, आ घातो रघुट स्वरे, फिर इसके तो लगेगा, मुझे मालूम है आधातो रघुट सरे लगेगा, तो उसके बाद लगेगा अच्छे, फिर बन गया चिरपा धन ई, फिर चिरपी बन जाएगा इसका व्यंजन मसूर स्वर से, तो चिरपे तो नहीं बनेगा ना। हाँ, चिरपी बनेगा, चिरपे बाल्टी को बता ले, खरीद जाएंगे ना। हेलो, ये आप बता दियो रो भैया जी, आप क्लियर कीजिए। हेलो,
हेलो हेलो, आवाज नहीं, क्या नहीं आवाज नहीं आ रही भैया जी? हेलो अब आ रही आवाज? हाँ जी अब आ रही है। तो क्या बनेगा, छीर पे बनेगा कि क्या बनेगा? अब भैया जी आप कह रहे हैं अवर्णी वर्णी सूत्र लगेगा इसमें, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ मैंने आपसे, क्या कहा आपसे, पढ़ना सीख रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। हमारे सबसे आकर लोप हो गया तो इसमें पा हलंत है आगे का। हाँ तो आप बोलिए ना, पाका पाके आका लोप हो गया, अवर्ण वर्ण कैसे लगेगा? हाँ तो वही, हाँ जी वही वही पूछ रही हूँ मैं कि जो हलंत लगा है तो कैसे लग जाएगा फिर ये सूत्र? फिर व्यंजन में श्रम लगेगा, लगे नहीं है तो लोप कर दिया तो क्यों लगेगा, ऐसा बोलिए ना पावरफुल। हाँ जी व्यंजन में स्वरे परमंडम ने तो सूत्र से मिल जाएगा ये आपस में, शीरपी हो गया। हेलो, हाँ जी भैया जी शीरपी बन जाएगा, शीरपी। हेलो हेलो, सही है रचना जी, सही है शीरपी बन जाएगा क्योंकि आका लोप हो जाएगा, गी विभक्ति लग जाएगी तो शीरपी बन जाएगा। नहीं तो पास में, फिर पास में पूरा थोड़ी ना आएगा तो फिर ई लग, अच्छा शीरपी छोटी ई लगेगी, शीरपी का लोप हो रहा है ना, ई का लोप नहीं हो रहा, आ का लोप हुआ। हाँ हाँ आ का लोप हुआ ना, शीरपी शीरपी भैया जी, शीरपी बनेगा, शीरपी गए। हाँ जी भैया जी का आउट हो गया क्या? नहीं भैया जी अभी हैं, अभी हैं, अभी हैं, आवाज आ रही होगी, शीरपी बनेगा ठीक है ना? हाँ जी, एक वचन में घी विभक्ति के आने पर पहले तो शीरपा के आका लोप करो और फिर घी विभक्ति में जो ई बचा है ना, हाँ जी व्यंजन में स्वरम पर वर्णम नये से जोड़ दो तो शीरपी प्रयोग सिद्ध हो गया, ठीक है? ठीक है जी, तो शीर को तो ऊपर बनाए वैसे की वैसे बन ही गया। हाँ जी, अब आखिरी का है शीरपासु, शीरपा, हाँ शीरपा सु, सूप में से पाका तो लोप, ये तो हट ही गया, सु बचेगा, सु ये तो व्यंजन वाली विभक्ति है ना, ये व्यंजन, ये व्यंजन वाली विभक्ति हो गई, आका लोप करेंगे नहीं अब, पर सु जोड़ना है सीधा तो शीर पासु, पासु। नहीं तो शीर ये जो पा तो आधा ही रहेगा ना, नहीं नहीं इसमें, हाँ वो शीर, अच्छा ये आ तो रहेगा इसमें, इसमें आ रहेगा, शीर पासु बन जाएगा, शीर पासु। व्यंजन हाँ व्यंजन में स्वरम वर्णम निश्चित तो कुछ करना ही नहीं आपका, व्यंजन की जरूरत नहीं, आपका तो पा वैसे ही है ना, शीर पा तो शब्द हमारे पास है ही ना। नहीं अच्छा अच्छा, तो इसमें हम कोई सूत्र कौन सा लगेगा फिर? बस कुछ नहीं, सूत्र जोड़ दो, कुछ नहीं करना। अच्छा इसमें सूत्र नहीं लिखना, बस सू जोड़ दो ना, इसका सू पे ना, पे का तो अनुबंध जोड़ दिया, जोड़ दिया, अच्छा सू अनुबंध हो गया ना, पे का तो सू बचा। हाँ हाँ इस बार सू हो गया पूरा। हाँ जी हो गया ये वाला, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो भाई, किसी को कुछ डाउट हो तो। रेखा जी समझ में आया आपके? हाँ आ गया, हाँ पूछना भाई, पूछना हो किसको, एक रिवीजन कर लीजिए वापस। हाँ करो, पहले वाले में क्या बनेगी विभक्ति लगाओ, किसमें किसमें लगाना है, शिल्पा का ही क्या? हाँ बना लो, पूरा बना लो वापस से, शिल्पा में शिल्पा धन सी सूत्र को बोल दो सर क्या बना, और आपको रिवीजन करना है ना, आपने बनाया ना, लिखा है ना अपने कागज पे? अरे मेरा बीच तो में फोन आ गया था, आधा चला गया था, रेप सोर विसर्जनीय सूत्र से बन गया छिरपा, और छिरपाऊ इसमें तो डायरेक्ट हो गया, छिरपाऊ इसमें हो गया, ओकारे ओकारे तो लगेगा ही ना, वो पुरुष वाला ओकारे औ ओकारे, मैं बताऊं? हाँ बताओ, छिरपा सी विभक्ति, हाँ ई का अनुबंध युनुबंधो सूत्र से, ताका विसर्ग रेसु विसर्जनीय, ठीक है? हाँ 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 सही, आगे बोलो, आओ 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 विभक्ति आने पर औकारे औकारे जैसे शीर पौ बन गया, और है ना? हाँ सही है, फिर जस विभक्ति आने पर जस का अस हो गया,
और रेप सो विसर्जनीय सूत्र लगा दिया, क्षीर पा हो गया। ठीक है, तीन सूत्र लगेंगे ना, तीन सूत्र लगेंगे ना आघाटों वाला। ये तो स्वर हो गया ना, स्वर स्वर है ना, इसमें जटी सूत्र नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपको समान सवर्ण दीर्घी बहुत ही परस्पर लोगों में सूत्र लगाना है। ठीक है ना, समान सवर्ण दीर्घी बहुत ही परस्पर लोगों आ गया समझ में? वो तो लग गया, फिर जो मैं बता रही वो सही है कि नहीं? नहीं, ये नहीं बोला आपने, समान सवर्ण दीर्घी बहुत ही सूत्र लगेगा, ये नहीं बोला आपने। अच्छा ठीक है, चलो आगे। ठीक है, बोलो, समझ में नहीं आया किसको? नहीं समझ आया तो दोबारा बोलना है क्या? एक बार वापिस ठीक से बोलिए, वो क्या आवाज कट रही है? देखो शीर्पा शब्द है ना, हाँ, आया जस विभक्ति आई, जस में से जय चला गया, अस बचा। अब आपको हाँ, इसमें दो ही सूत्र लगाने पड़ेंगे, समान सवर्ण दीर्घी भवति परश्लोकम और रेव सो विसर्जनीय, बस। ठीक है, जैसे सूत्र यहाँ व्यंजन स्वरम प्रावर्णम, अच्छा व्यंजन स्वरम प्रावर्णम नहीं लगेगा ना यहाँ पे? हाँ, व्यंजन कहाँ है यहाँ पे? आपको एक व्यंजन लगाना है ना, आपको पहले मैं दीर्घ कर दिया ना, पहले आ तो उसमें है ही समान सवर्ण दीर्घ, तो उसमें है ही ना, शीर पा में समान सवर्ण दीर्घ किया ना अपने, हाँ पा तो वहाँ पे है ही ना, तो हाँ ठीक है, नहीं होता मैं लगाओ सुबह से जनी है। ठीक है, अपने हाथ से बनाओ, नहीं समझ में आता दोबारा पूछो। ठीक है, शीर पा धन अम, हां बोलो आगे, पा के लूप हो गया और अम शीर पम, सूत्र बोलो, सूत्र सूत्र ये सूत्र आघातो रघुट स्वरे, आघातो रघुट स्वरे, ये कहां से आएगा? अभी तो रघुट ही बोलना, आघातो रघुट, अरे अभी हम भी व्यक्ति आई है, अपना द्वितीय बना रहे हैं। आगे हाँ, द्वितीय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, क्या हो गया, बन गए रूप पूरे नहीं बने? आप कहाँ चले गए? अरे हम तो कहीं नहीं चले गए, आप लोग छोड़ छोड़ के भग जाते हैं हमको। हम लोग कहाँ छोड़ते हैं हमको, हम कहते हैं हमको पकड़ के रखिए तो आप हमारी उंगलियां छोड़ देते हैं। नहीं छोड़े हम लोग तो। हाँ बोलो, क्या बन गया? चीरपम, चीरपम, अब कहाँ पहुंच गए चीरपम पे? हो गया भैया जी, प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए बोल रहे थे। चीरपम कहाँ बनेगा ये तो बताओ, प्रैक्टिस तो कर रहे थे, चीरपम बनेगा कहाँ? वो शीर्पा धन अम में बना रहे थे, शीर्पा धन अम। हाँ तो क्या बनेगा वहाँ पे शीर्पा धन अम में? उसमें शीर्पम बनेगा ना। क्यों बनेगा? अधातुर गुण स्वरे से आ का लोप हो गया और अम जोड़ दिया इसमें। कहाँ होता है लोप? स्वर रहने से, स्वर रहने पर, स्वर जब स्वर हो। अधातुर गुण स्वरे क्या कहता है? वो कहता है कि पा में जब तुम्हारे, क्या नाम है, पा में आ धातु है ना, यहाँ पा धातु, शीर शीरपा में पा धातु है, हाँ, तो उसमें उसके जो आकार का लोप हो जाता है। कब होता है? जब जब आगे स्वर हो। कौन सा स्वर हो? ये अपना अगुट स्वर हो। अगुट स्वर हो, जो घुट स्वर है कि अगुट स्वर है? घुट, ये गुट है, 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 तो फिर कैसे लगा रहे हैं इसको? तो इसमें नहीं लगेगा, गुट स्वर लगेगा, वो सूत्र नहीं लगेगा, वो सूत्र नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा तो काय को लगाते चले आ रहे, तीन बार लगा दिया होगा आपने अभी। अगुट स्वर में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर क्या करोगे? ये समान स्वर ने दीर्घी बोधि से पा का पा हो गया, पाम चिरपाम हो जाएगा। हाँ तो फिर चिरपा, चिरपाम बनेगा, चिरपा रेफ सोल विसर्जन।
हेलो हेलो आवाज आ रही है। ये क्यों लगाए थे हाथों रगड़ सोरे क्यों लगाया अपने? वो भूल गया कि घुट है और अगुट में। हेलो अगुट का स्वर में लगेगा भैया जी, वो घुट वाला में नहीं लगेगा स्वर। तो इसमें क्यों लगा रहे थे ये पूछ रहा हूँ मैं, इसमें क्यों लगा रहे थे आप? इसमें ध्यान नहीं रहा, घुटे क्या घुटे ध्यान नहीं रहा, हम ध्यान नहीं रहा। जी ध्यान नहीं रखो, ध्यान नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? होगा ही। फिर जिसमें भी लगा दिया होगा आपने? इसमें जस जस विभक्ति लगाए थे उसमें भी लगा दिया होगा? नहीं लगाया। तो फिर जस में क्या किया था आपने? जस में नहीं लगाया था, जस में तो समान करने से तेरे को दिसी कर दिया। जस भी तो स्वर था, जस भी तो स्वर था, उसमें नहीं लगाया वो दीदी ना करती। उसमें क्यों नहीं लगाया जब उसमें भी तो जस में अस बच रहा था, वो भी तो स्वर था, वहां के छोड़ दिया उसको। नहीं लगाया था भैया जी, नहीं लगाया था, यही लगाया था जब मेरी आवाज आई थी तभी लगाया था। हाँ। जब मैं खो गया था तब नहीं लगाया था। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या बनेगा आम विभक्ति के आने पर? चीर पाम। ठीक है, अब पूरे रूप बन गए? हाँ बन गए भैया। अच्छे से बन गए कि नहीं बने? नहीं अच्छे से बन गए, एक बार दोबारा बनाएंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अभी कुछ आगे और पढ़ना है कि बस? हाँ जी बस हो गया, पढ़ा दीजिए भैया जी, हो गई, घर पे करेंगे प्रैक्टिस। चलिए लिखिए मुनि शब्द, लिखिए मुनि। अब ये तो ई आ गया, ई करंत वाला। हाँ अभी कारांत आ गया, मुनि लिखिए, मुनि लिख लिया मुनि। और एक शब्द लिखिए साधु, दो शब्दों के रूप एक साथ चलाऊंगा। लिखिए मुनि धन सी, मुनि धन सी, मुनि धन सी। और लिखिए मुनि साधु धन सी। एक मिनट भैया जी, धीरे धीरे चलेंगे हैं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। हाँ जी, तो अभी मतलब नहीं पढ़ना क्या? पढ़ना है ये पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ना, लिख लिए भैया जी, लिख लिया, धीरे धीरे लिख रहे हैं ना। अच्छा धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहा है ये तो बताओ। मुनि धन सी। हाँ मुनि का लिख लिया, मुन धन ई धन सी सी। और साधु लिखो, साधु धन साध, साध धन ऊ धन सी सी। बहुत बढ़िया, अभी का अनुबंध लोप कर दीजिए बिना पूछे ताछे। अनुबंध, अनुबंध प्रयोगी। बोलिए नैधन ई और सर धन ई धन, ई धन सा ऊ धन सा। हेलो। हाँ भैया जी बोले। क्या लिखा है आपने पहले बताइए, कॉपी पे क्या लिखा? हम लिखा है मैं धन उ, धन नहीं, पूरा नहीं करना है, ना को कर दीजिए केवल। हाँ मैं धन ई लिखा है भैया जी, हम मैं धन ई, मुन धन ई धन सा है ना। अब अपने को बोलना क्या है, ई धन सा बोलना है केवल, इतना बोलना है। पहले ई धन सा है ना, और नीचे क्या बोलना है? उ धन सा बोलना है, है ना। बाद में जोड़ देंगे अपन व्यंजन पर, नमस्वरम परम नाम लगा के जोड़ देंगे। समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया जी समझ आ गया। हाँ जी आ गया भैया जी। अब समझ में आया तो सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। इकारांत ई है ना, छोटी छोटी ई है कि बड़ी ई है? छोटी ई, छोटी। और वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा। लिखिए इकारांत, इकारांत लिखिए, इकारांत। हाँ बोलिए। इकारांत और उकारांत शब्दों की लिख लिया भैया जी। क्या लिखा है? इकारांत और उकारांत शब्दों की हाँ जी अग्नि संज्ञा होती है।
अग्नि 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 उष्ण अग्नि संज्ञा उष्ण हो गया ना। हाँ ठीक है लिखा है भैया जी। हाँ अग्नि संज्ञा का मतलब है नाम। नाम क्या है ना अग्नि संज्ञा का मतलब है नाम। अब अग्नि कहेंगे तो अग्नि से क्या लेना? नाम संज्ञा। नाम संज्ञा अरे नाम संज्ञा नहीं लेना ई और उ लेना इकार और उकार लेना। इकार और उकार ओ ये अपनी हवेली। हाँ हेलो हाँ जी भैया जी बताइए अग्नि माने क्या होता है? नाम नाम माने ई उ। अरे अग्नि अग्नि माने होता है इकारांत और उकारांत शब्द। इकारांत और उकारांत शब्द होता है। बोलिए अग्नि माने क्या होता है? इकारांत और उकारांत उकारांत शब्द। इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है बताइए दोबारा बोलिए। इकारांत उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है। हाँ अब हम कोई भी काम कहेंगे अग्नि को ये काम होता है तो किसको करोगे? ई और अंत उपरांत को। ई और उ को दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है ना ई को और उ को दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है पर इतना ध्यान रखिए आगे लिखिए। अच्छा वो कलश। हेलो हाँ जी भैया जी अब इतना लिखिए ई के स्थान पर करेंगे तो ए या करेंगे। बहुत बढ़िया ई के स्थान पे क्या करेंगे? ए या ई के स्थान पर ए करेंगे अथवा या करेंगे। बोलिए ई के स्थान पे ए या करेंगे। ये एड़ी वाला भैया जी ई जो छोटे वाला ना ए। हाँ छोटा वाला एक देखो उसका उच्चारण करना सीखिए ए और आई में अंतर समझिए। और ए और आई हाँ जी ए और आई है ना ए को छोटे वाले को ए कहते हैं और आई को आई कहते हैं। हाँ जी दो मात्रा वाला तो इसमें ए को ई के स्थान पे ए या करेंगे या है एक ई के स्थान पे ए या करेंगे। जब हम बोलेंगे जो करेंगे ई का ई ये कहेंगे तो ए करेंगे या कहेंगे तो या करेंगे। अच्छा ए या मतलब ए या प्रयोग होगा दो शब्द का प्रयोग करेंगे या तो उसको ई के स्थान पर हम ए आदेश करेंगे या फिर या आदेश करेंगे। ठीक है अब ऊ के स्थान पर लिख लीजिए। हाँ जी ऊ के स्थान पर ओ करेंगे या वा करेंगे। ओ या वा हाँ वाह माने बमू वर्णा वाला वाह वन वाला वाह। ठीक है समझ में आ गया। हाँ जी बोलिए क्या समझ में आया? ई के स्थान पे ए या करेंगे और ऊ के स्थान पे ओ या वाह करेंगे। वाह करेंगे पक्का हो गया ना बात? हाँ जी चलिए अब सी विभक्ति दोनों के रूप एक साथ चलेंगे ध्यान रखना। कौन है भैया कौन है? चोर सफाई एक मिनट कर दो तुम कर दो। अबे यार क्या कह रहे हो भैया? कुछ नहीं क्या कह रहे हो? कुछ नहीं क्या सुनो अब कोई अलग अलग रख दो उसमें क्या कोई लग रहा है क्या उठे कर रहे नीचे रख दो। हाँ चला गया चोर? हाँ जी भैया जी चलाइए। अच्छा हेलो हाँ भैया जी चोर चला गया के है? नहीं वो भैया जी वो सफाई कर रहे थे ना वो सफाई वाले भैया पूछ रहे थे कुछ सामान के लिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है मैंने कहा चोर घुस आया कोई। नहीं नहीं ई के स्थान पे ए या करेंगे और ऊ के स्थान पे ओ या वा करेंगे। वा माने बकरी वाला के बदन वाला बन वाला वमु वर्णा वाला वमु वर्णा। हाँ वमु वर्णा से जो होता है वही करेंगे। ठीक है हाँ जी और ई के स्थान पर या करेंगे तो ये वर्ण या मसवर्ण ना क्या रूप या करेंगे। ठीक है ई के स्थान पे ए या करेंगे। अरे ई के स्थान पर ए करेंगे या करेंगे ना या। हाँ जी हाँ जी तो या कैसे होगा ये वर्णो या मसवर्ण ना क्या लोप्या से होगा। ठीक है ई वर्णो
अरे 44 नंबर का सूत्र पीछे वाला, ठीक है भैया जी, और वा करेंगे तो 45 नंबर के सूत्र से करेंगे, वा मुवर्णा, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, पक्का हो गया काम, हाँ जी, ये वर्णों यम सवर्णे, समझाइए क्या समझे, क्या समझ लिया आपने, क्या लिखा है बताइए, आगे भैया जी, अब आगे समझिए, तो समझाइए क्या समझा, आपने सबसे पहले बताया अग्नि संज्ञा को क्या कहेंगे, इकारांत या उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है, अरे इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है, तो अग्नि किसे कहते हैं ये बताओ, अग्नि कहेंगे इकारांत को या उकारांत को, ई के स्थान पे ए, उकारांत शब्दों को अग्नि संज्ञा कहते हैं, हाँ जी, इकारांत और उकारांत शब्दों को अग्नि संज्ञा कहते हैं, ई के स्थान पे ए, ई के स्थान पे ए या य का प्रयोग करेंगे, और ऊ के स्थान पे ओ या वा का आदेश करेंगे, जो भी कुछ करना होगा तो बता देंगे, और ये कौन से सूत्र से लगेगा, ए या य, ये लगेगा ई वर्णो यम सवर्णे पराचर रूपिया, ई वर्णो यम सवर्णे नाचा परो लोप्या है, हां जी, नाचा परो लोप्या सूत्र से करेंगे 44 नंबर से, हां, और जो ये ओ या वा करेंगे जो वमु वर्ण से करेंगे, वो और वा नहीं करेंगे, केवल वा करेंगे, मेरी बहन केवल वा करेंगे, हाँ, देख एक सूत्र से दो दो काम जी, एक बार भैया जी एक बार फिर से समझा दीजिए ना, समझाने पहले इनको समझ लो जो उल्टा समझ गए हैं, हाँ एक बार आप फिर से ये पूरा समझाओ, ठीक है भैया जी, ए आदेश नहीं करेंगे, ए आदेश के लिए नया सूत्र आएगा, या आदेश करने के लिए पुराना सूत्र, ए वर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्या, ठीक है ठीक है, क्या क्या समझे, दोबारा समझाओ भैया जी, आप समझा दो, अरे आपने क्या समझा था उसको सुधारो पहले, दोबारा बता रहे भैया जी, आपने बोला अग्नि, अग्नि क्या है, तो अग्नि बोला पहले तो नाम बताया, फिर बोला इकारांत और उकारांत शब्दों की संज्ञा जो होती है उसको अग्नि संज्ञा कहते हैं, फिर आपने लिखाया ई के स्थान पर ए या य करेंगे, हाँ ए या य करेंगे, फिर उ के स्थान पर ओ या व करेंगे, ठीक है, फिर बताया आपने ये जो शब्द है ना उसमें यह सूत्र लगेगा 44 नंबर, इवर्णो यम स्वर्णे न च परो लोप्य, ठीक है, फिर वह में वो लगेगा वह मुह वर्ण स्वर लगेगा 45 नंबर सूत्र, तो एक करने के लिए तो नहीं लगेगा कोई सूत्र, एक का क्या लगेगा, क्या एक का दूसरा सूत्र लगेगा कोई सा, इवर्णो यम स्वर्णे न च परो लोप्य नहीं लगेगा, नहीं वो नहीं लगेगा, वो तो दो शब्द में बताए ये और वह, हाँ, वही तो ये एक दोनों काम एक ही से कर रहे थे, नहीं नहीं एक का अलग बताएंगे आप, बोले मिलिया हमारा से मिलिया, ए में कौन सा लगेगा भैया जी, हैं ए में कौन सा लगेगा, वो मैं बताऊंगा ना कौन सा लगेगा, हाँ बताइए, इतनी जल्दी क्या कर पड़ी है, एक सूत्र से एक ही काम तो होता है, दो थोड़ी होते हैं, है ना, ये वर्णो या मसवर्णे न च परो लोप्य से या आदेश होगा ना कि ए, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, अब आगे पढ़े, हाँ चलिए सी विभक्ति लाइए, दोनों शब्दों के साथ में सी विभक्ति ले ही आए हो आप तो, हाँ जी सी तो लिया है भैया जी ऊपर लिया है, अब रेफ्स और विसर्जनिया लगाइए, रेफ्स और विसर्जन तो लग गया ना उसमें, सा का विसर्ग हो गया, तो बताइए क्या रूप बनेगा फिर, तो उसमें बन जाएगा मुनि ही और उसमें साधु, हाँ, बहुत बढ़िया, अब अगला सूत्र लाइए, अविभक्ति, अविभक्ति ले आए, एक मिनट भैया जी, मुनि धन अविभक्ति लानी है ना उसमें, हाँ ई धन औ ऊ धन औ, हाँ ले आए, हाँ जी ले आए भैया जी, 161 और 168 नंबर का सूट हाजिर करो भैया जी, 161 और 62 नंबर का सूट हाजिर करो, बोलेंगे ना तो भैया जी नींद आ जाएगी उनको, नहीं नींद क्या ही कर दिया है, देखिए आपके सामने हाजिर है, नींद नहीं आती है, बहुत देर से ऑर्डर नहीं किया ना आपने तो नींद आ जाती, देखिए फटाफट कर दिया, एक सेकंड नहीं लगा और काम हो गया हमारा, बोलिए बोलिए, इदु दग्नि ये कह रहा है, एत और उत की अग्नि संज्ञा होती है, पहले नंबर का सूत्र इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है, 161 नंबर का सूत्र लगाना जरूरी है, ठीक है ठीक है, तो आपने इसका नाम क्या रख दिया, अग्नि संज्ञा, किस सूत्र से रखा,
इधर अग्नि ही सूत्र, हाँ इधर अग्नि से इस सूत्र रख दिया, ठीक है। अब पढ़िए औकारः पूर्वम, औकारः पूर्वम, पूर्व में औकार हो, औकारः पूर्वम बोलिए, औकारः पूर्वम, औकारः पूर्वम। अब देखिए अब ई के सामने क्या है, औ है, औकार औ है, और ऊ के सामने क्या है, औ है औ, तो औ को पहले वाला अक्षर देखकर वही आदेश कर दीजिए जो पहले लिखा हुआ है। पहले तो ई लिखा हुआ है भैया जी, तो ई लिख ई कर दीजिए, मुनि और साधु बन गया ये तो, मतलब साधा बन गया। फिर ज्यादा बोल रहे हैं, काम करना है कि क्या करना है, ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, किसके स्थान पर आदेश कर रहे हो, औ के स्थान पर, औ के स्थान पर करो आदेश पहले, कर लिए, औ के स्थान पे करना है क्या, हाँ समान ज्यादा नहीं करना, अभी इतना ही करिए पहले, कर लिए भैया, कर लिया, क्या लिखा है आपकी कॉपी पे, ई धन ई, ई धन ई, ई धन ई, और नीचे साधु में क्या लिखा है, ऊ धन ऊ, ऊ धन ऊ, हाँ तो दोनों में लगाइए, समाना सवर्णे दीर्घी भवति, मुनि साधु, बन गया कि नहीं बना, बन गया। ये दूसरा साथी कहाँ गया आपका जो अभी बोल रहा था, जिनके घर में चोर घुसे आए थे तो ये दीर्घ बनेंगे भैया जी, हाँ तो दीर्घ बनेंगे, तो बोलो ना दीर्घ क्या बनाया आपने, ये मुनि साधु, साधु मुनि और साधु, हाँ ठीक है बन गए भैया जी। इसमें सूत्र लगेगा, समाना सवर्णे दीर्घो भवति परश्च लोपम, हाँ उच्चारण ठीक करिए, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, हाँ ये सूत्र लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा दोनों में, हाँ जी लग गया, लगेगा, पक्का लगेगा कि कच्चा लगेगा, पक्का पक्का लगेगा। चलिए आप कौन सी भक्ति लेके आओगे, जस जस लाओगे, ठीक है ले आओ जस, ले आओ जस, जस का अस बचा, जस का अस बन जाएगा। अब मैं एक एक जगह काम में कराऊंगा तो दूसरी जगह आप अपने आप कर देना जी, हेलो जी भैया जी, मैं एक जगह काम कराऊंगा तो दूसरी जगह आप अपने आप कर देना आंखें बंद करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो करिए ई के स्थान पर ये कर दीजिए, ई के स्थान पर भैया जी ए करो, ई के स्थान पर ए कर दिए भैया जी, तब ऊ के स्थान पर करो जल्दी से, ओ ओ हाँ कर दिया, ई के स्थान पर क्या किया, ए के स्थान पे ए, और ऊ के स्थान पर क्या करो, ऊ के स्थान पे ओ, ऊ के स्थान पे ओ, ओ करा सूत्र पढ़ लीजिए, ए आई, ए आई और ओ अव, ओ अव, ओ अव, अव, मुनयः साधव, सारे एक सौ विसर्जन लग जाएगा इसमें तो, मुनयः साधव, मुनयः, मुनयः साधव, हाँ भैया जी हेलो, चलो मैं बोलती हूँ, देखो इसमें ये कह रहे हैं मुनि है ना, मुनि हाँ जी ही है ना, उसको ये करना है आपको, हाँ वो लेकिन उसके लिए यही सूत्र लगे ना ऊपर वाला ही, नहीं नक्त रखे मेरे पास में, वो वाला गोल वाला नहीं है बस, हाँ हाँ हेलो जी भैया जी, कहाँ पहुँच गए, मुनयः साधवः, एरे तुरो जसी, नीचे वाला सूत्र बोलिए, एरे तुरो, अभी शब्द बना दिया क्या आपने, ए हो गया था, ए का ए कर दिए तो मुनयः हो गया, अभी हमने तो कहा नहीं था तो आपने वैसे कर दिया तो ये था पर में आ था तो उसको सूत्र हाँ, लगा दी, कौन सा सूत्र लगाया, ए आए, ठीक है, और ओ में क्या लगाया, अब अब
ओ अब बोलो ओ अब ओ अब हाँ तो क्या बन गया फिर रेप स्वर विसर्जन जी मुनयहा और साधवा बन गया साधवा साधव साधवा ठीक है हाँ जी रेप स्वर विसर्जनिया हाँ जी वो तो लग गया तो बोलिए इरे दुरो जसी इरे दुरो जसी इरे दुरो जसी ना बोलिए इरे दुरो जसी इरे इरे दुरो जसी हेलो इस सूत्र से हुआ है जस के आने पर अंगी संज्ञक ई को ए और ऊ को ओ हो जाता है अच्छा ये वाला सूत्र लगा है इसमें इरे दुरो जसी लगा इसने करा है ए और ओ वहीं जा रहे हो क्या जाओ नहीं नहीं दो दो जने का नहीं आ रहे तो वहीं रुक जाते अब आ गए तो कह के लिए अब आ जाओ इसको ऊपर निर्देशन देना है हो जा आ गया वो आता वो लगे हुए हैं दो चार लगे हाँ तो आप आ जाओ हेलो हाँ भैया जी अरे दुरो जैसी सूत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी भैया जी बोलिए भैया जी पर उसकी संधि विच्छेद करिए ना इरे दुरो लिखिए 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 कॉपी पे लिखिए ई ही ई ही विसर्ग लिखिए विसर्ग हाँ ई ह धन हाँ एत हाँ एत लिखा जी जी फिर धन लगाइए हाँ फिर ऊहू हाँ फिर लिखिए ओत हाँ मेरे को लेने आए थे क्या आप मेरे को लेने आए थे क्या हाँ चलिए लिखा ओत लिखिए ओत हाँ लिख लिए लिखिए जसी जी अब बताइए कौन कौन से सूत लगे यहाँ पर संधि तोड़कर बताइए जल्दी जल्दी कौन कौन से सूत लगे हैं हाँ ठीक है तो वो रा हो जाएगा ठीक है और बताइए और वर्ग प्रतथद वर्ग प्रथमेभ्यः वर्ग प्रथमाः पदान्ता वर्ग वर्ग प्रथमा पदान्ता वर्ग प्रथमाः पदान्ता स्वर्घोष्वत्सु तृतीयान तो इससे द हो जाएगा ठीक है और आगे चलिए ऊ में घोषवत् स्वरेषु हां र हो जाएगा और फिर वर्ग वर्ग प्रथमा वर्ग प्रथमा वर्ग प्रथमेभ्य पदांता स्वर घोषवत्सु तृतीयांत से उच्चारण गलत करते हैं आप वर्ग होगा वर्ग प्रथमा है वो प्रथमेभ्य बोलोगे तो आकार आ जाएगा वर्ग वर्ग प्रथम पर ये त तो अपन को ज करना है तो अभी अभी यही तो दिक्कत है पूरे सब लोग मिलके एक हो जाइए मैं अकेला हूँ नहीं 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 भैया जी वो वो क्या बोलते हैं लचट वर्ग पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु बहुत बढ़िया हाँ तो इधर ज हो जाएगा हाँ आप सही रास्ते पे आ गए आप हाँ तो इधर हो गया लचट वर्गेशु लचट वर्गेशु बिल्कुल सही राइट हाँ तो चलिए बन गए संधि टूट गई बन गया भैया जी तो कह रहे हैं जस विभक्ति के पड़े रहने पर ई के स्थान पर ए होता है ऊ के स्थान पर ओ होता है ठीक है बराबर है जी 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 सब लोगों से पूछो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया जी एक बार आप बता दीजिए लिखिए ना ई के स्थान पर मुने मुनि धन जस साधु धन संधि तोड़कर बताना है जस एक मिनट लिख लेने मोटी बुद्धि है हेलो हाँ बोलिए हाँ जी लिख लिया भैया जी ईधन अस्त
इरे दरो जसी सूत लगाइए, इरे दरो जसी, इरे दरो जसी लगा दिया। ई के स्थान पर ए करिए, ऊ के स्थान पर ओ करिए। हाँ जी कर दिया ये। अब लगाइए ए को, ए हो गया। हाँ ए लगाइए। हाँ लगा दिया। और फिर ओ ऑयल इसमें लगा दिए, फिर रेप सर नहीं लगाई है। हाँ जी लगा दिया वो भी। तो क्या बन गया इसका? इसका मुनिया साधवाहा, मुनिया और साधवा बन गया। बस बन गया ना। चलिए हाँ। अब अगली विभक्ति लाइए संबोधन वाली। संबोधन वाली में क्या बनेगा? संबोधन में वो जाती है सी औ जस, और क्या बोलते हैं? नहीं नहीं जस औ, सी औ जस होगा। हाँ तो पहले सी आएगी। नहीं धन क्या लिखेंगे? मुनि धन सी। हाँ मुनि धन सी, साधु धन सी, ई धन सी। इधर लोप हो जाएगा, रस्व नदी श्रद्धाभ्य सिर लोपम। नहीं हाँ जल्दबाजी करी तुमने तो देर वो है ना भैया जी, इधर भैया जी में रस्व हो जाएगा ना। रुक जाइए धीरे धीरे चलिए। साका अनुबंध लोप, अभी कुछ नहीं करना है, ई का अनुबंध लोप करना है। ई का अनुबंध लोप हो गया, साका लोप नहीं होता है। ई का अनुबंध लोप, ई का अनुबंध लोप हो गया। अब सी के पहले क्या लिखा हुआ है? ई ई हृदय के दीर्घ रस्व, और ऊ हृदय के दीर्घ रस्व। हाँ तो पीछे का सूत्र लगाइए 134 नंबर का, हृस्व नदी श्रद्धाभ्याम सिर लोपम। हृस्व नदी श्रद्धाभ्याम सिर लोपम, जो पुरुष शब्द में लगाया था। हाँ अपन भैया जी स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं लगा दिए? सी का डायरेक्ट लोप क्यों नहीं कर दिए? तो मतलब पहले ई का अनुबंध करे, फिर संबुद्धि वाले को करते हैं कि सब करते हैं? संबुद्धि वाले को ही करते हैं, मैं संबुद्धि में ही पूछ रही हूँ। जैसे पहले अपन अनुबंध लोप करे, स लाए, फिर रस्व नदी श्रद्धाभ्य सूत्र लगाए। अनुबंध लोप तो करना ही पड़ता है ना, जो काम पहले पे है वो पहले ही करना पड़ता है। अच्छा मतलब अनुबंध लोप के बाद अपने को ये सूत्र लगाना रहेगा? हाँ अनुबंध लोप तो करना ही करना है, नहीं तो फिर प्रक्रिया बिगड़ जाएगी पूरी। अच्छा ठीक हाँ। भैया जी तो सा बचेगा ना फिर? हाँ सा ही हाँ। बचेगा, उसी सा का लोप करने के लिए इस सा का लोप हो जाएगा ना, फिर हाँ, मुनि मुनि बन जाएगा मुनि। अभी कुछ नहीं बना, अभी तो बनाऊंगा मैं, चिंता नहीं कीजिए। अभी क्या किया आपने काम, ये बताइए पहले। हमने लिखा मुनि बचा, ईधन से। अरे किसका लोप कर दिया? स का, तो बचा क्या? ई और ऊ दोनों बोलिए। ई और ऊ, अब ई को ये कर दीजिए। ई को ए, तो ऊ को क्या करोगे? ओ ओ कर दीजिए। अब क्या बना रू? फिर ए आए, ए आए सूत्र से आए। पागल पागलों की टीम यही इकट्ठी हो गई है कि पूरी मुने बनेगा मुने। में तो स्वर ही नहीं है भैया जी, स्वर ही नहीं है तो आए हो ही नहीं सकता। तो फिर नहीं होगा स्थान पे ए लगा तो मुने बन गया, मुने मुने और साधो साधो साधो। हाँ तो यही तो दिक्कत है, पूरे पागलों की टीम इकट्ठी हो गई है अभी नहीं हुई। अच्छा मेरे को छोड़कर जब मैं शामिल हो जाऊंगा जब नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या बन गया? मुने मुने साधो। अरे मुने नहीं, हे मुने, हे मुने, हे साधो, हे साधो, ये लगाना पड़ता है। हाँ भाई अरुण भाई 164 नंबर सूत्र को हाजिर करिए। भैया जी बहुत सारे हो गए, बस अब रहने दो, टाइम हो गया। एक सूत्र पढ़ा रहा हूँ, बोलिए पूरा होने दो। आप बोलिए संबुद्धौ च, बोलिए संबुद्धौ च, संबुद्धौ च। इसी से अपन ने ई को ए कर दिया, ऊ को ओ कर दिया, बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं।
बोलिए संबुद्धौच। संबुद्धौच संबुद्धौच ने क्या किया, ई के स्थान पर ए कर दिया और ऊ के स्थान पर ओ कर दिया। ओ बराबर है। च से क्या लेना भैया जी? च से यही लेना है कि संबुद्धि अग्नि संज्ञक संबुद्धि के होने पर और अग्नि संज्ञक संबुद्धि के होने पर ई के स्थान पर ए होता है और ऊ के स्थान पर ओ होता है। ओ हो गया। हाँ जी ये कह रहा है। इरेद्रोजसी ने क्या किया था? यही किया था, ई को ए और ऊ को ओ। तो वही तो संबुद्ध उच्च कह रहा है कि चा माने और संबुद्धि के होने पर भी ई के स्थान पर ए होता है और ऊ के स्थान पर ओ होता है। ठीक है बराबर है जी। बराबर। अब इसका औ विभक्ति लाओ। औ कहाँ लाए? अरे मुनि धन औ। अभी तक कहाँ लाते रहे? ई धन औ और ऊ धन औ। अब बताइए क्या बनेगा? ए धन औ और ए धन ओ धन औ। नहीं, ई धन औ और ऊ धन औ में क्या बनेगा? अभी पीछे सूत्र क्या पढ़े थे? औ ले आए ना एक बार तो ओ के ऊ के स्थान पर ओ आ जाएगा। तुम्हारी जय हो भाई। अभी क्या पढ़े थे आप? पूर्व स्वर रूप हो जाता है। पूर्व स्वर रूप हो जाता है वो। पूर्व स्वर रूप ओकार पूर्वम। हाँ अभी कॉपी पे लिखते नहीं है क्या आप लोग? अभी औ विभक्ति लाए थे जब क्या किया था? हाँ भैया वही किए ना, पूर्व स्वरवत हो गया था। आपने तो कर दिया, जब बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ जो नहीं बोल रहे हैं नहीं किया। तो आप बताइए क्या किया था अभी पहले? औ विभक्ति आई थी तब क्या किया था आप लोगों ने? औ में भैया जी उसमें ई धन औ लिखा था ना। हाँ तब क्या किया था काम ये बताओ ना। तो उसमें ईदु अग्नि सूत्र वो औ के स्थान पे ई किया था ना। औ के स्थान पर ई किया था ना। हाँ और औ के स्थान पर ऊ भी किया था। हाँ हाँ ई ऊ दोनों किया था वहाँ पे। ई देखकर ई किया था, ऊ देखकर ऊ किया था। औ का किया था ना, औ का ई किया था। हाँ तो औ को तो किया था, औ को ई देखकर ई किया था, ऊ देखकर ऊ किया था। हाँ 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 सूत्र ईदु अग्नि थोड़ी लगता है, औकार पूर्वम लगता है। तो अग्नि संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है जी भैया जी। क्या ठीक है? समझ आ गया कि औ को ई करना है, पूर्व स्वरवत करना है अपन को औ को। हाँ पूर्व स्वर को देखना है, अग्नि संज्ञा में जो पहले बैठा हुआ है वही करना है जी। अगर ई बैठी है तो ई करना है, ऊ बैठी है तो ऊ करना है। तो क्या बन जाएगा? मुनि साधु। ए मुनि। ए मुनि। ए साधु। अब जस विभक्ति लाओ। जस जस ई धनस। हाँ ई धन जस। धनजस। हाँ बोलिए। ई धनजस ऊ धनजस फिर ई धन एस ऊ धन एस। काम करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे ई के स्थान पे ए हो जाएगा। अब करिए ना, ई के स्थान पर ए करिए, ऊ के स्थान पर ओ करिए, करिए जल्दी। नहीं इधर तो क्यों होगा? अच्छा जैसी से वैसी। हाँ इरे दूरो जसु से हो जाएगा ना। हाँ बोलिए। इरे दूरो जसी। इरे दूरो जसी सूत्र से फिर एक स्थान पे आए और वो के स्थान पे अब। हाँ तो क्या बन जाएगा? ए आए और ओ अब। हाँ तो क्या बन जाएगा? एक मिनट भैया जी बना रहे हैं। अरे हे मुनिया। हाँ हे मुनया। हे साधव। हाँ ये तो पहले ही बन चुका था, तुम्हें दोबारा क्या बनाना है? हे लगा के तो बोलना है। हे मुनिया। हे साधव। ठीक है बराबर है। बराबर बराबर।
चलिए जावाणी के भारती।